पे छोटी बच्ची को हिजाब डलवा के फोटो खिंचवाई गई वहां पर। दिस इज द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ दिस नेशन। निजी मामला है। आजाद पूनावाला यहां बैठकर ज्ञान नहीं देंगे कि कोई हिजाब पहनेगा या नहीं पहनेगा। दूसरी बात, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। कन्हैया बना राहुल जी से मिला वो क्यों नहीं दिखा? ये छोटा सा बच्चा कन्हैया बन के मिला था। के शासकों से तो मोदी जी ऐसे मिलते हैं जैसे कहीं के बिछड़े हुए भाई हो। दोस्तों, ये धमाकेदार वीडियो आपके लिए, चाहे कोई कितना भी कट्टर समर्थक क्यों ना हो इस गोदी मीडिया का, या इस गोदी मीडिया का चाहे कोई कितना भी कट्टर फॉलोअर्स क्यों ना हो, उसकी कट्टरता ये वीडियो देखने के बाद इस तरह बिखर जाएगी जैसे शीशा जमीन पर गिरने के बाद बिखर जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब राहुल गांधी हिजाब पहनी हुई छोटी बच्ची के साथ घूम रहे हैं, क्या हिजाब को प्रमोट कर रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी? कौन क्या पहनना चाहता है, क्या नहीं पहनता, ये हमारा निजी मामला है। आजाद पूनावाला यहाँ बैठकर ज्ञान नहीं देंगे कि कोई हिजाब पहनेगा या नहीं पहनेगा। दूसरी बात, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। वो उसके मामा पर वोट तय करेंगे, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आपको अगर नहीं पहनना मत पहनिए। छोटी बच्ची को हिजाब डलवाने का समर्थन करती है? तो अब चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मेरा भी एक सवाल है, इन छोटे बच्चों को कृष्णा बनना है, राधा बनना है, ये इन बच्चों ने तय किया था या इनके माँ बाप ने? इनके माँ पिताजी के चेहरे पर आप आराम से देख सकते हो कि वो खुश है कि उनका बच्चा कृष्णा बन गया है या गणेश जी की पूजा कर रहा है। दोस्तों, ये नफरत की राजनीति और गोदी मीडिया एंकर नफरत परोसते रहेंगे क्योंकि इनके खाते नफरत से ही चलते हैं। गजब बेइज्जती है। छोटी बच्ची को हिजाब डलवाना जायज है? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जब हम पैदा होते हैं हम क्या नहीं पहनते, अमीश जी, ये हमारे माँ बाप तय करते थे। हमें इतनी समझ नहीं होती है, ना हमारी भावनाएं या हम कोई चीज तय कर पाते हैं। या आप भी और हम भी बचपन में क्या कपड़े पहनते थे, हमारे माँ बाप तय करते थे। उसके बाद जब अडल्ट हो जाते हैं तो वो हमारी इच्छा होती है हम क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते। और ये चलता आ रहा है, ये आज से नहीं है, ये हर धर्म हर देश हर विविधता में चलता आ रहा है। लेकिन जो सवाल उठना महत्वपूर्ण ये है कि जो नफरती चिंटू जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं देश में, इनको सबसे ज्यादा मिर्ची किस बात की लग रही है? क्योंकि आप चाहते यही है कि धर्म के नाम पर डिबेट हो, इस बात पर चर्चा ना हो कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। राहुल गांधी हिजाब डाली हुई किसी महिला के साथ नहीं, छोटी बच्ची के साथ अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस पे धर्म की बात नहीं होनी चाहिए? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। धार्मिक बात तो आपने खुद बना दी जब एक छोटी बच्ची को हिजाब डलवा के फोटो खिंचवाई गई वहां पर। दिस इज द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ दिस नेशन। आप कहां के ज्ञानी बाबा? इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं। दोस्तों, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन गोदी मीडिया किस तरह से नफरत की एंकरिंग करता है, देश में नफरत फैलाता है, ये दिखाना चाहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तस्वीर है, ये आपके एक कोलीग है डॉक्टर पात्रा, उन्होंने 5 साल की बच्ची, ये 5 साल की एक बच्ची की तस्वीर है जो राहुल जी का हाथ पकड़कर केरला में चल रही थी। उसकी वेशभूषा पहचान कर उन्होंने बता दिया कि ये लड़की मुसलमान है और राहुल जी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। एक 5 साल की बच्ची में अगर आपको धर्म और नफरत नजर आती है, इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है। इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है क्योंकि जिस 5 साल की बच्ची के बारे में आपने ट्वीट किया, आपकी ट्वीट और आपके फेसबुक पोस्ट के नीचे तमाम ऐसी घिनौनी गंदी बातें लिखी गई जो मैं एक औरत और एक मां होने के नाते पढ़ नहीं पाती हूं। एक 5 साल की बच्ची को देखकर आपको इतनी धर्मांधता, इतनी कट्टरता, इतनी नफरत आती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूं, आपको ये बच्चा कन्हैया बना राहुल जी से मिला वो क्यों नहीं दिखा? ये छोटा सा बच्चा कन्हैया बन के मिला था। एक और तस्वीर है, ये बच्ची की सैंडल निकल गई थी, राहुल जी इसकी सैंडल की स्ट्रैप लगाने लगे, ये आपको नहीं दिखा क्योंकि इस लड़की ने हिजाब नहीं पहना था, ये मुसलमान नहीं थी। ये छोटी सी बच्ची एक फूल देती हुई आपको नहीं दिखी। ऐसी तमामों पिक्चरें हैं, ये निश्चल हंसी, ये बेखौफ हंसी बच्ची की आपको नहीं दिखी। आपको बूढ़ी मां नहीं दिखी, आपको वो तमाम औरतें नहीं दिखी जो राहुल जी से मिली और उनसे चिपक कर भावुक होकर
फपक फपक के रोने लगी। आपको इस छोटी इस एक चटाई की कहानी नहीं दिखी जो एक बूढ़ी औरत ने राहुल जी के लिए बनाई? नफरत की राजनीति करने के लिए, नफरत की एंकरिंग करने के लिए गोदी मीडिया के लिए ये फोटो बहुत ही जरूरी है। देश में नफरत ना फैले इसके लिए वो ये फोटो भी दिखा सकते थे कि किस तरह से लोग एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ भारत जोड़ने का। आपने एक डायरेक्ट सवाल मुझसे पूछा, आपके जो कुलीग हैं, मुझे नहीं पता उनके आपसे क्या संबंध है। 2008 में डॉक्टर पात्रा जो थे उन्होंने काउंसलर का चुनाव लड़ा था सभासद का दिल्ली में, तब मजार पर गए थे टोपी पहनकर चादर चढ़ाने, ये कौन सा तुष्टीकरण कर रहे थे? और ये है देश के प्रधानमंत्री, एक नौजवान था वो आया राहुल जी के पास और उनसे ऐसे गले मिला, ये है देश के प्रधानमंत्री। एक फोटो मुझे दिखाइएगा राजनाथ सिंह को गले लगाते हुए, आप नहीं दिखा पाइएगा। लेकिन गल्फ के शासकों से तो मोदी जी ऐसे मिलते हैं जैसे कहीं के बिछड़े हुए भाई हो। सवाल प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट जाते हैं इनको रिसीव करने। अरे ऐसा बार एक बार अलिंगन, इस बार तेरे का गला प्यार से भरकर राजनाथ सिंह को, गडकरी जी को लगाइएगा। ये देखिए ये मोदी जी हैं। या तो आप अपनी नासमझी पूरे देश को दिखाना चाहते हैं या आप भी वही उस चीज पर उतर आए हैं जो आपके मित्र संबित पात्रा जी करते हैं। आपको लगता है संबित पात्रा की बराबरी मैं एक ऐसे व्यक्ति से करूंगी जिसको मैं लीडर बुलाती हूं? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना, क्या आप सपोर्ट करते हैं, क्या आप समर्थन करते हैं 5 साल की एक बच्ची का फोटो सिंगल आउट करने के, ट्वीट करने को? मुझे नहीं पता आप पिता है कि नहीं, मैं एक माँ हूं और मुझे बहुत गुस्सा, बेहद गुस्सा, बेहद नाराजगी आई, मुझे बहुत घटिया और घिनौना काम लगा। मैं अपने शब्दों को यहाँ पे काबू में नहीं कर सकती हूँ। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए, हर दिन हर रोज हम एक ऐसा ही वीडियो आपके लिए जरूर।